हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी बाजार में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे प्रो कबड्डी लीग 7 सीजन के 126वें मैच के प्रीव्यू के बारे में, जो कि आज खेला जाएगा तेलुगु टाइटंस और गुजरात फ्यूचर जायंट्स के बीच। यह मैच खेला जाएगा शहीद विजय सिंह पाठक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्रेटर नोएडा में, जो कि होम ग्राउंड है यूपीओ के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों टीमों की टीम परफॉर्मेंस कैसी रही है, ट्रेड रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे, फॉर्म कैसी है, स्टार्टिंग सेवन के बारे में, सब्स्टिट्यूट्स के बारे में बताएंगे, प्लेयर्स के रिकॉर्ड एनालिसिस करेंगे, टॉपिक्स बताएंगे, समय लीग, ग्रैंड लीग, कैप्टन वाइस कैप्टन सजेशन और ड्रीम इलेवन का कॉम्बिनेशन पीरियड रहेगा। उन सभी से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप फैंटेसी बाजार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि अगली वीडियो जो भी डालो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही रिक्वेस्ट करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, स्किप मत करना, अगर आप स्किप करते हैं कोई ना कोई अवेलेबल इन्फॉर्मेशन मिस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीम परफॉर्मेंस की, उसमें बात करते हैं पॉइंट्स टेबल के। हैदराबाद अपने 20 मैच खेल चुका है, 5 जीते हैं, 12 हारे हैं, 3 टाइड किए हैं, 40 पॉइंट के साथ वो 11वीं पोजीशन पे है। गुजरात ने भी 21 मैच खेल चुका है, केवल 6 जीते हैं, 13 हारे हैं, 2 टाइड के साथ 40 पॉइंट लेके वो 10th पोजीशन पे हैं। यानी कि दोनों टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुके हैं, तो इनके लिए लास्ट कंसोलिडेशन मैच ही हो सकता है। हेड टू हेड एनकाउंटर्स की बात करें तो दोनों टीमों के बीच केवल 3 मैच जो हैं, गुजरात ने 2 जीते हैं, हैदराबाद ने 1 जीता है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो फ्रेंड्स, दोनों टीमों के एक जैसी फॉर्म है, पुअर फॉर्म में है। अपने 5 मैचेस में से केवल 1 जीता और 1 टाइड किया और 3 हारे हैं। और कंपैरिजन एनालिसिस करें तो हैदराबाद ने 20 मैच खेल के 386 रेड पॉइंट हासिल किए हैं, गुजरात ने 21 मैच खेल के 341 रेड पॉइंट हासिल किए हैं। परसेंटेज देखें तो सक्सेसफुल रेड्स का हैदराबाद करा 38 का, गुजरात करा 33 का। टैकल पॉइंट्स में हैदराबाद ने 205 टैकल पॉइंट लिए हैं, गुजरात ने 213 लिए हैं। टैकल परसेंटेज देखें तो हैदराबाद का 38 का है, गुजरात का 44 का है। आप कह सकते हैं जो हैदराबाद का जो रेडर्स है उसने थोड़ा अच्छा काम किया और गुजरात के डिफेंस ने अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं हेड टू हेड एनकाउंटर्स की। सीजन में दोनों टीमों के बीच एक मैच हुआ है, जिसमें बात करें तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा सिद्धार्थ देसाई, सूरज देसाई थे, फुराद थे, विशाल भारद्वाज से, अब बोजारो और अमित, रोहित गुलिया, जेबी मोरे, सचिन तनवर, प्रेस बैसवाल और गुरविंदर ने ये इनकी परफॉर्मेंस रही थी। उस मैच में हैदराबाद ने गुजरात को हराया था 6 पॉइंट से। इसे पिछले सीजन में भी गुजरात ने हराया था हैदराबाद को केवल 2 पॉइंट से, उसमें सचिन तनवर खेल रहे थे, 9 पॉइंट लिए थे, प्रेस बैसवाल 3 पॉइंट, फुराद को 3 पॉइंट, विशाल भारद्वाज क्वेश्चन मदानी 1 ये पॉइंट लिए थे। तो आप मैंने हेड टू हेड दिखा दिए। अब बात करते स्टार्टिंग सेवन की, हैदराबाद की क्या रह सकते हैं स्टार्टिंग सेवन में। जो पिछले मैच में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले फ्रेंड्स इनकी टीम में, तो मैं आपको बता देता हूं। इनके लेफ्ट कॉर्नर में थे विशाल भारद्वाज, तो उनकी जगह आ चुके हैं कृष्ण मदाने, लेफ्ट इन में खेल रहे हैं राकेश गौड़ा जो कि राइट रेड रहे हैं। लेफ्ट इन में पहले शेरोन खेल रहे, लेफ्ट कॉर्नर में शेरोन खेल रहे थे, अब इनकी जगह मनीष आ चुके हैं। और सेंटर में सिद्धार्थ देसाई, राइट कवर आ चुके हैं आकाश दत्ता, अर्सुल राइट इन में है, फुराद जो कि अब एज ए रेडर खेल रहे हैं, पिछले मैच में रेडर खेले 10-10 पॉइंट लिए, पहले रजनीश खेल रहे थे यहाँ पे। तो राइट कवर में इनके पहले अबुजार खेल रहे थे, जो उनको रेस्ट दे दिया गया, तो काश चौधरी के लेफ्ट कवर में राइट कॉर्नर में आ चुके हैं और 3 पॉइंट लिए हैं यहाँ पे खेलते हुए और 2 पॉइंट लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कृष्ण अहमद अन्य भी लेफ्ट कॉर्नर में आते हैं, उन्होंने आई फाइव लगा चुके हैं। तो ये परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दी, साथ साथ आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आसानी होगी। बाकी इनके सब्स्टिट्यूट्स में हैं अंकित बेनीवाल, कमल सिंह और साथ ही अमित कुमार और अरमान और साथ ही शिव गणेश रेड्डी भी आपके सब्स्टिट्यूट्स में देख सकते हैं। तो ये हो गए सब्स्टिट्यूट्स में। अब बात करते हैं इनके प्लेयर्स के स्किल्स के, जो कि प्लेयर्स के स्किल्स इनके सिद्धार्थ देसाई इनके मेन रेड रहेंगे, इनकी स्किल्स काफ़ी अच्छे स्किलफुल रेड रही हैं, तो ये रहेंगे इनके पास। बात करें गुजरात की, गुजरात की टीम में जो चेंजेस हुए थे उसमें स्टार्टिंग सेवन में पिछले मैच में कोई चेंज नहीं देखने को मिला था उनके। बात करें तो पंकज खेले थे लेफ्ट कॉर्नर में, लेफ्ट इन में थे जेबी मोरे आ चुके थे, लेफ्ट कॉर्नर में थे इनके प्रवेश बैसवाल, सेंटर में है सोनू जागलान, राइट कॉर्नर अमित खरब, राइट इन में रोहित गुलिया थे, राइट कॉर्नर रहे थे ऋतुराज। तो पिछले मैच में जैसे कि जेबी मोरे आए और 15 पॉइंट लिए इन्होंने आते ही, उससे पहले सब्स्टिट्यूट्स में खेले थे 4 पॉइंट लिए थे। प्रेस बैसवाल लगातार खेल रहे हैं और ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं पिछले 3-4 मैच से। सोनू जागलान ने जे फर्स्ट रेडर खेल रहे हैं और 3-8 और 15 पॉइंट इन्होंने लिए हैं लास्ट के 3 मैचेस में। रोहित गुलिया की परफॉर्मेंस देखे तो 6-11-11 और 9 पॉइंट इन्होंने लास्ट के 3 मैचेस में।
तो इनकी परफॉर्मेंस, और ऋतुराज ने भी लास्ट के 4 मैचेस में ठीक ठाक परफॉर्म किया है। बाकी इनके पास सब्स्टिट्यूट्स में है विनोद, हरमनजीत, ललित चौधरी, अबोल फजल मकसदलो, समित मलिक। इनके सब्स्टिट्यूट्स में रहेंगे गुरविंदर भी आ सकते हैं ललित चौधरी की जगह सब्स्टिट्यूट्स में, तो ये इनके सब्स्टिट्यूट्स हो गए। बाकी गुजरात के जो रेडर्स हैं इनके मेन रेडर वैसे सचिन तेंदुलकर किंतु इस सीजन में अच्छा नहीं कर पाए, इसलिए इनका सब्स्टिट्यूट्स में बिठा दिया गया है। जे बी मोर अच्छा कर रहे हैं, सोनू जागलान ने राइट रेडर ने काफी अच्छे हैं प्लेयर हैं, इनके स्किल्स दिखा दी। रोहित गुलिया काफी अच्छे इनके फाइंड रहे हैं एज ए रेडर, इन्होंने अच्छा काम किया है अभी तक इस सीजन में गुजरात के लिए। अब परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात कर लेते हैं। सिद्धार्थ देसाई ने 20 मैच करके 189 पॉइंट लिए हैं, 8 सुपर टेन लगाए हैं, 63% इनके सक्सेसफुल रेट्स रहे हैं। रजनीश ने 11 मैच करके 45, 2 सुपर टेन लगा चुके हैं। राकेश गौड़ ने 11 मैच करके 42, 1 सुपर टेन लगाए हैं। फुराद ने भी 20 मैच करके 41, 1 सुपर टेन लगाया। वो राकेश के और गौड़ा के लास्ट के 3 मैचेज में ही सुपर टेन आए हैं, उसके बाद पहले सिद्धार्थ देसाई अरमान खेल रहे थे। रोहित गोली ने 21 मैच करके 124 रेड पार्ट, 4 सुपर टेन लगाए हैं। सोनू जागले ने 16 मैच खेल के 55 लिए हैं 110। जे बी मोरे ने 18 मैच खेल के 55 रेड पॉइंट 110। सचिन तेंदुलकर जो पहले खेल रहे थे 16 मैच खेल के 84, 2 सुपर टेन लगाए थे। सोनू जागलान और जे बी मोरे अभी आपको रिसेंट में सुपर टेन लगाते हुए देखे गए हैं। एवरेज रेड पॉइंट की बात करूँ तो सबसे ज्यादा है सिद्धार्थ देसाई के, उसके बाद आप देख सकते हैं रोहित गुलिया का नाम है, सचिन तेंदुलकर है अगर खेलते हैं तो, रजनीश है, उसके बाद आप देखेंगे जे बी मोरे, सोनू जागलान का एक जैसा है, फुराद और राकेश गौड़ा का एक जैसा है। अब बात कर ले डिफेंस में, डिफेंस में जैसे कि आपको पता फ्रेंड्स अब औजारो और विशाल भारद्वाज को अब सब्स्टिट्यूट्स में दिख रहे हैं, ये नहीं दिख रहे हैं स्टार्टिंग सेवन में, इनको रेस्ट दे दिया गया है क्योंकि टीम बाहर हो चुके हैं प्लेऑफ से और बेंच को आजमाया जा रहा है। तो उसमें फुराद, कृष्ण अहमद आने, राकेश गौड़ा ने भी डिफेंस में तो उन्होंने अच्छा काम किया है। आकाश अरसुल भी आए हैं, 4 मैच खेल के 1 I5 लगा चुके हैं, पिछले मैच में ही लगाया है, तो आप देख सकते हैं इनकी परफॉर्मेंस। कृष्ण अहमद आने भी 1 I5 लगा चुके हैं। बाकी प्रेस बैसवाल लगातार खेल 21 मैच खेल के 51 टैकल पॉइंट ले चुके हैं, 4 I5 लगा चुके हैं। सुनील कुमार नहीं खेल रहे पिछले 2 मैचेस। पंकज 10 मैच खेल के 22 टैकल पॉइंट लिए हैं। ऋतुराज ने 16 मैच खेल के 17 टैकल पॉइंट लिए। जे बी मोरे ने 18 मैच खेल के 25 टैकल पॉइंट। जे बी मोरे आपको रेड में भी और डिफेंस में भी कुल दिखेंगे। अब आज के लिए टैकल पॉइंट्स के प्रत्येक मैच में सबसे ज्यादा नाम है विशाल भारद्वाज का, उसके बाद अब औजार हैं, प्रेस बैसा, सुनील, पंकज, जे बी मोरे, ये सभी एक जैसा काम किया है। उसके बाद फुराद 1.5 है, तो ये देख सकते हैं। बात करते हैं फैंटेसी टिप्स की, जो आपके मस्ट पिक रहनी चाहिए, ये अच्छे प्लेयर्स है फ्रेंड्स, उसमें सचिन तेंदुलकर और सुनील कुमार को इसलिए ले अगर खेलते हैं तो ये आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे। सिद्धार्थ देसाई, विशाल भारद्वाज, राकेश गौड़ा है, रोहित गुलिया है। अगर सचिन तेंदुलकर नहीं खेलते आपके लिए सोनू जागलान या जेपी मोरे मस्ट पिक रहेंगे, सुनील नहीं खेलते प्रवेश बैसवाल आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे। स्माइल लीग्स की बात करूँ, सिद्धार्थ देसाई, रोहित गुलिया को आप ट्राई करें, सिद्धार्थ देसाई, सोनू जागलान या फिर जेपी मोरे में से आप ट्राई कर सकते हैं। रोटेशन और जो एक्सपेक्टर जो प्लेयर्स रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए, रजनीश का नाम है, फुराद है, एबुजार अगर आते हैं तो कृष्ण मदानी, दत्ता अरसुल, ये हैं जेपी मोरे, सोनू जागलान, प्रवेश बैसवाल, ऋतुराज, पंकज और अमित खरब, ये रहेंगे। ग्रैंड लीग की बात करूँ तो मैं कैप्टन वाइस कैप्टन में आप जा सकते हैं रोहित गुलिया, रजनीश अगर खेलते नहीं तो राकेश गौड़ा के साथ जा सकते हैं, सोनू जागलान, रजनीश खेलते हैं तो नहीं तो आप फुराद के साथ जा सकते हैं। तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन पिक्स हो गया। बात कर लेते हैं डेमो टीम्स जो हम प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स, ये ऊपर मैंने आपको बता दिया था ना, डे प्ले एनालिसिस साथ ही ड्रीम इलेवन के कम्बिनेशन का प्रयोग दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी हो जाए। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक पेज पे, तो इन सभी के लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलते हैं ड्रीम इलेवन पे, वहां मैं आपको 6 कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ, बाकी की टीमें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जैसे ही लाइनर्स आएंगे शाम को तो आपको टेलीग्राम के अपडेट हो जाएगा। बाकी बात कर लेते हैं, मैंने फर्स्ट में पहले 2 टीमें स्माइल लिख के हैं, तो पहले स्माइल लिख में ट्राई किया है सिद्धार्थ देसाई को, रजनीश है, राकेश, कृष्ण मदानी है, प्रवेश बैसवाल, ऋतुराज, रोहित गुलिया, जे बी मोरे, जे बी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए रोहित गुलिया को, कैप्टन बनाए सिद्धार्थ देसाई को। अगर आप नहीं चाहते तो जे बी मोरे को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, रजनीश भी ऑप्शन हो सकते हैं, प्रवेश बैसवाल भी ऑप्शन हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड टीम की, जिसमें मैंने ट्राई किया है, इस टीम में मैंने रोहित गुलिया को यहाँ से ड्रॉप कर दिया, फुराद गुलिया और फुराद को
लेने के बाद मैंने सोनू जागलान को इस टीम में ट्राई किया, सिद्धार्थ देसाई को कैप्टन बनाया, अगेन वाइस कैप्टन बनाया, जेबी मोर्गन को कृष्णा बनाया, प्रेस वैसा ऋतुराज कोहली आया है। अब थर्ड टीम बाकी की चार टीमें अब ग्रैंड लीग की टीमें हैं, आप इन दो टीमें जो थर्ड और फोर्थ है उनको आप सीमा लीग में भी ट्राई कर सकते हैं। सिद्धार्थ देसाई को कैप्टन, वाइस कैप्टन रोहित गुलिया को बनाया फ्रेंड्स, जेबी मोरे हैं, प्रेश बैसवाल ऋतुराज दत्ता अर्सुल को ट्राई किया है, सोनू जागलान को भी लिया है। 5-2 का कॉम्बिनेशन गुजरात के फेवरेट टीम है ये। अब फोर्थ टीम की बात करें जो कि मैंने हैदराबाद के फेवरेट टीम बनाया, सिद्धार्थ देसाई फुराद हैं, राकेश गौड़ा हैं, आकाश चौधरी हैं, कृष्णा मंदान हैं, प्रेश बैसवाल, आकाश चौधरी को नहीं लेते आप, अर्सुल को ट्राई कर सकते हो, सोनू जागलान है। अगर इन दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे आप एक ऑलराउंडर रोहित गुलिया को और या जेबी मोरे को लेना चाहते हैं तो कि इन दोनों में से किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं अपनी फिफ्थ टीम की, बैलेंस टीम बनाने की कोशिश करें। इस टीम में मैंने राकेश गौड़ा को कैप्टन, वाइस कैप्टन रोहित गुलिया को बनाया है, आप चाहें तो इसको उल्टा कर सकते हैं, कैप्टन रोहित गुलिया को बना सकते हैं, वाइस कैप्टन गौड़ा को, सिद्धार्थ देसाई हैं, सोनू जागलान, प्रेस अर्सुल, कृष्ण मदानी, सिद्धार्थ देसाई, सोनू जागलान, ये प्लेयर्स लिए हैं। आप चाहें तो ये कॉम्बिनेशन जा सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन जा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो ट्राई कर सकते हैं। लास्ट की टीम जो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इस टीम में मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, रजनीश को ट्राई करा, अगर आते हैं तो दत्ता अर्सुल, प्रेस बैसवाल, रोहित गुलिया, जेबी मोरे, सोनू जागलान, तो ये भी एक अच्छी टीम है। अगर रजनीश खेलते तो नहीं तो आपको यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा प्लेयर्स को। तो सोनू जागलान को इस टीम में मैंने वाइस कैप्टन बनाया। तो उम्मीद करूंगा कि फ्रेंड्स ये एनालिसिस देखने के बाद आसानी से अपनी टीम बना पाएंगे, होपफुली अपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।